गुजरात में हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, आप लोग जान चुके हैं। एक और बात बता दें आप लोगों को कि 2 अक्टूबर आज स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये बड़ी बात नहीं है, ये खुद महात्मा गांधी कहते हैं, कहे हैं कि व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है। इसीलिए तो आज भारत स्वच्छता दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाता है, क्योंकि यह कर्म है आपका, आप क्या करते हो ये निर्भर करता है, आप क्या हो ये निर्भर नहीं करता। किसी भी बात पर आप क्या करना चाहते हो, महात्मा गांधी ने कहा था कि आप सोच रखो, अच्छी बात है, लेकिन उस सोच को सिर्फ सोच ही नहीं रहने दो, आगे बढ़ो और उसे करो, निष्ठा के साथ करो, सत्य अहिंसा, यानी कि सच बोलो। और एक और चीज है, झूठ बोलना कुछ लोगों की मजबूरी बन जाती है, वो मजबूरी शायद इसलिए बनती है क्योंकि उनकी शुरुआत छोटे छोटे चीजों से होती है। कोई बहुत बड़ा झूठ एट अ टाइम नहीं बोल लेता है, एक साथ नहीं बोल लेता है, क्योंकि उसने छोटे छोटे से ही सीखा हुआ है उसको। आप जब सीखना शुरू करोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन आप सोचोगे कि सब कुछ एक बार सीख जाए, ये संभव नहीं है। महात्मा गांधी, किसी ने क्वेश्चन पूछा था इसमें कि सर अशिक्षित लोगों को कैसे सुधारा जाए, इसमें बहुत अच्छा जवाब दिए थे वकील साहब और प्रताप सर भी। महात्मा गांधी जब अपना शुरू किए आंदोलन, तो बिहार जैसे जगह को भी चुना था। आज भी अगर देखा जाए तो पिछड़े राज्यों में आता है बिहार, आता था, आज भी है हाँ कुछ है। तो महात्मा गांधी ऐसे जगह पे आए थे। अब आप सोच सकते हो, आपके क्वेश्चन का आंसर प्रताप सर ने कहा था कि उसी में छुपा हुआ है, ऐसे जगहों को चुनाव किए थे क्योंकि ये पिछड़ा था, उनको पता था कि हम कहेंगे कि ये करो तो ये लोग करने के लिए तैयार हैं। आप सोचिए कि वकील साहब को कहिए कि चलिए रोड पे मेरे साथ चक्कर लगाइए, ये संभव नहीं है, लेकिन 5 लोगों को गांव से पकड़िए और कहिए कि ये काम करिए, बिना काम के मेरे साथ घूमिए, हो सकता है वे लोग घूमने के लिए तैयार हो। व्यक्ति जो करना चाहता है उसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है, वो करे। और मैं यहाँ पर उपस्थित अभय सर, प्रताप सर और वकील साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ, अगर हिस्सा लें वो अनुपस्थित ना हो और कुछ बोलें, क्योंकि आप विज्ञान जानते हो, आप इतिहास जानते हो, आप भूगोल जानते हो, ये बात आपसे आपके बुजुर्ग, आपके माता पिता और आपके सगे संबंधी पूछने नहीं जा रहे हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और आपके नौकरी लेने के काम भले ही आ सकता है। सोचिए कि नरेंद्र मोदी अगर नौकरी लेने के लिए पढ़ाई किया होता, अगर उसे बोलना नहीं आता, तो किसी भी स्थिति में वो आज देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। और प्रधानमंत्री बनना बना ठीक है चलिए, लेकिन इतना लोकप्रिय नहीं हुआ, क्योंकि अभय सर कहते हैं कि एक अच्छा श्रोता है, एक अच्छा वक्ता बन सकता है। इसीलिए आप सभी उपस्थित रहे, धन्यवाद।